सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेटीएम कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पेटीएम कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग आज मार्केट में हो चुकी है और लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस आईपीओ का इशू प्राइस करीब 2150 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी 2150 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 1950 रुपए पर होती हुई नजर आई। यानी लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। और देखिए, ये यहीं तक नहीं रुका, 5 मिनट का चार्ट है, लिस्टिंग यहां पर हुई और आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद ये लगातार नीचे जाता हुआ नजर आया। और देखिए, 1600 रुपए पर इसने एक चैन की सांस ली और निवेशकों को भी थोड़ा सा चैन जरूर मिला होगा कि चलो अब ठीक है, यहां से कम ये ऊपर जाने लगा। लेकिन देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं लगातार इसमें फिर से गिरावट होने लगी और 1600 रुपए का जो लेवल है, जो इसने सपोर्ट बनाया था, उसका भी ब्रेकडाउन इसने कर दिया और आप देख सकते हैं क्लोज होते होते ये अपने लोअर सर्किट यानी 1560 रुपए पर क्लोज होता हुआ नजर आया। आप सोच सकते हैं 2150 रुपए में आपको अलॉट हुआ था, 1560 रुपए उसका प्राइस बचा, तो बहुत ही ज़्यादा लॉस यहाँ पर पहले ही दिन निवेशकों को होता हुआ नजर आया। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये आईपीओ आया था, हमने इसके फाइनेंशियल देखे थे, सारी चीज़ें देखी थी, प्राइस देखा था, ओवर वैल्यूड ये आईपीओ था, तब मैंने आपको ये बताया था कि शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में भी अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का तो भी आप यहाँ पर ना ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं इस शेयर को तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है ये आपको और भी ज्यादा कम प्राइस पर मिलता हुआ नजर आए और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, यहां पर जो होना था हो चुका है, हमने इसको अप्लाई किया, हमें मिल गया, हमने लॉस भी भुगत लिया। अब यहाँ पर क्या करें, मेन बात आती है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब मतलब क्या हमारे पास बचता है। तो देखिए, हमारे पास केवल दो रास्ते हैं, दो रास्तों में से एक है कि हम यहाँ पर या तो लॉस बुक कर लें या फिर इसमें हम बने रहें, यहाँ पर इसको होल्ड करके चलें। तो देखिए, होल्ड करने में क्या संभावना, लॉस बुक कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप बाहर ही हो जाएंगे, लेकिन होल्ड करने में क्या क्या संभावनाएं बचती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, होल्ड अगर आप इस कंपनी को करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आगे चलकर आपको गेंस मिलेंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि दिन दूना रात चौगना ये शेयर बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब ये सोचेंगे आपके, भाई 2150 रुपए के ऊपर कब जाएगा ये बता दीजिए। तो देखिए, 2150 रुपए के ऊपर जाने में इसको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। क्यों, इसका कारण ये है, कंपनी जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ था और देखिए काफ़ी नीचे चला गया है, कंपनी को लॉस काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे ना, तो कंपनी को साल दर साल काफ़ी ज़्यादा लॉस है। 2019 में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लॉस था, 1600 मिलियन का लॉस था। हालांकि 2021 तक आते आते लॉस की बात करें तो थोड़ा सा कम हुए हैं लॉस, लेकिन फिर भी 1000 मिलियन से ज़्यादा के ही लॉस इनके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को लॉस है। आगे चलकर जब ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा, निश्चित रूप से फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन आप ये सोच रहे हैं 2150 रुपए के ऊपर कब जाएगा, तो इसमें वक्त लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। अब देखिए, इसमें और क्या किया जा सकता है, मैं आपको बता दूं, ये आईपीओ लिस्ट होने के पहले ही एक ब्रोकरेज हाउस है जिसने अपनी रिपोर्ट निकाली थी और यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी थी और इसका जो लक्ष्य है, मैं आपको बताऊँ, 1200 रुपए का बताया था, यानी कि 2150 रुपए का आईपीओ था और उस कंपनी ने रिपोर्ट निकाली और 1200 रुपए का लक्ष्य बताया था। अब वो कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, 1200 रुपए का उन्होंने लक्ष्य बताया था, तो निश्चित रूप से हो सकता है ये आगे आने वाले दिनों में 1200 रुपए तक भी जाए। तो आप ये बोलेंगे कि
भाई 1200 रुपये तक जाएगा तो क्या हम लॉस बुक कर लें? निश्चित रूप से 1200 तक जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपको इसमें, अगर आप इसमें लंबी अवधि के लिए रह सकते हैं, 3-4 साल आप इसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इसको होल्ड करें, क्योंकि ये और ज़्यादा नीचे जाएगा तो थोड़ा सा और लेने की जगह बनेगी, तब आप इसको एवरेजिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें फिर लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब ये आपको और ज़्यादा रिजनेबल प्राइस यानी 1000 रुपये 1200 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो फिर आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसीजर अपनाया जा सकता है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको यहाँ पर इसको नहीं लेना है, केवल अलॉटमेंट भर से कुछ नहीं होता है। अलॉटमेंट मिलने के बाद अगर लिस्टिंग गेन भी मिलता है ना तो आईपीओ प्रॉफिटेबल होता है। अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाए ऐसे आईपीओ में, तो ऐसे आईपीओ का अलॉटमेंट ना ही मिलना तो बेहतर है ना। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, हमारी चैनल को कंटिन्यूज़ देखिए। मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ कि कौन से आईपीओ में क्या होने वाला है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट हाँ आप यहाँ पर समझ जाएंगे, अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि आईपीओ में आखिर क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर बने रहें, डेली अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ किसी भी आईपीओ की, शेयर मार्केट की, तो यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आई थिंक आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि क्या इस आईपीओ में हो सकता है, और अगर आप भी इसमें फंसे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये तो मैं बता रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करने वाले हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हो सकता है दूसरे लोग भी आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।